मूल्यांकन SHO रायपुर वा की लापरवाही बनी पत्रकार की हत्या का कारण। ब्रेकिंग, पत्रकार का हुआ मर्डर, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर शहर के डिप्टी पड़ाव में रहने वाले पत्रकार विजय गुप्ता के मर्डर का खुलासा जांच कर पुलिस जल्द ही करेगी, पर SHO रायपुर वा अगर मामले को हल्के में न लेते तो शायद ये दुखद घटना न होती। पुलिस के मुताबिक विजय गुप्ता व उसके बड़े भाई मनोज से बीती रात दिवाली में काफी झगड़ा हुआ था, जिस पर मनोज ने विजय गुप्ता को जान से मारने व शहर से गायब करने की धमकी दी थी। इस घटना की सूचना पत्रकार विजय गुप्ता ने थाना रायपुर वायस HO को दी थी, किंतु SHO का कहना था कि यह विजय गुप्ता की मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आज ये मनगढ़ंत कहानी कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है। बड़ा सवाल है कि क्या SHO की इस गलती पर अधिकारी उनको निलंबित कर उचित विभागीय कार्यवाही करेंगे। पुलिस अभी तक दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ एक टीम जिला उन्नाव भी भेजी गई है। मैंने उनसे कहा कि मेरा मित्र कल रात से गायब है, तो उन्होंने ये जवाब देते दिया है। उसके बाद उस विवाद में मनोज गुप्ता ने विजय गुप्ता से कहा कि अगर तुझे पटाखे छुड़ाने का शौक है तो सामने सामने फायर कर। तो विजय गुप्ता ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी कि हम लोग पटाखे छुड़ाते हैं, आप लोग इस टाइप के हो तो आप लोग बंदूकों से फायर करते हो, हम नहीं करते हैं। तो उसके बाद वो पूजा करके अपने घर से आगे बढ़ा। उसके बाद बोला मैं तुझको यहाँ से गायब कर दूंगा। उसके पीछे जाते जाते मनोज गुप्ता ये कह रहे थे कि मैं तुझे पुलिस की चूक मानते हैं। इसकी नेगलिजेंसी के संदर्भ में श्री अनवरगंज साहब को जांच के लिए अधिकृत किया गया है। जो भी नेगलिजेंसी अगर पाई जाएगी तो उसको बताएंगे। ये चूँकि अभी सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें आएंगी। अब दोनों लोगों का अपना अपना पक्ष है, जो वादी पक्ष है, मृतक पक्ष है, उनका कहना है कि साहब हमारा जो श्रीमती रोनी गुप्ता जो श्री विजय गुप्ता की पत्नी है, उनके द्वारा कल दिनांक 28 अक्टूबर को थाना रायपुर में एक मिसिंग की तहरीर की थी। इसकी जांच करने के बाद ये पाया गया कि उसको मुकदमे को 364 में अल्टर किया गया। दौराने इन्वेस्टिगेशन जब पूछताछ करी गई इनके भाई से, जिनसे इनको शक था, जो मनोज गुप्ता है इनके सगे भाई विजय गुप्ता के, तो उन्होंने अपने भाई की हत्या कार्य करना स्वीकार किया और बताया कि अपने बड़े भाई रतन गुप्ता के साथ और एक अपने एक साथी मोहिनुद्दीन के साथ मिलकर इन्होंने अपनी जो गाड़ी है वैगनार कार, उससे उसको अचलगंज थाना क्षेत्र में कहीं पर उनकी मृत शरीर को फेंका। इस पर जो है पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में लिया है, साथ ही साथ जो घटना में प्रयुक्त बंदूक है लाइसेंसी उसको बरामद किया है, दोनों जो गाड़ी है वैगनार उस कार को बरामद किया है और उनके मृत शरीर को थाना अचलगंज क्षेत्र से बरामद किया है, जहां पर उनकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही जारी है। तीसरा जो एक साथी इनका रह गया है उसके लिए हमारी एक टीम लगी हुई है, उसी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अच्छा सर, ये कहां पर चार लोग उठ रहे कार से कहां पर? एक मिनट रुको यार, इस संदर्भ में जो भी और एविडेंस है, जो CCTV की फुटेज हमें प्राप्त हो रही है, उसमें अगर कोई और भी व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व पाया जाएगा तो किसी को छुड़ा नहीं। अच्छा सर, ये पुलिस ने कैसे पकड़ा कि इनके भाइयों ने हत्या की, कैसे पता चला पुलिस को? पहले उनकी पत्नी का इन पे एक शक था जो बताया गया, फिर वहाँ के जो हमारे IPMS सिस्टम है उससे CCTV की फुटेज निकाली गई, उस फुटेज के आधार पर जो घटनाक्रम है वो सारी की सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, उसके बाद ये घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने पत्नी के शिकायत पे, एक मिनट, पत्नी के शक पे उनको पकड़ लिया आरोपी को, लेकिन जब मृतक खुद आया था थाने में दरखास्त देने के लिए 1 बजे, कहा कि मेरी जान को खतरा है इनसे, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, क्या पुलिस की चूक है इसमें? पुलिस के सामने मनोज बेटा, एक मिनट, दिवाली की रात में लगभग 10:30 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि साहब जो है इनका आपस में झगड़ा हुआ है, जिससे घटन में 250 की गाड़ी भी वहाँ गई थी और चौकी इंचार्ज जो कॉपरगंज है वो भी वहाँ मौके पर गए थे और ये बताया गया था कि दोनों लोगों का आपस में पारिवारिक मामला है, उसमें समझौता हो गया था। उसी रात्रि में जो थाना प्रभारी ने बताया है कि विजय गुप्ता भी जो थाने पर आए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि भले ही समझौता आप लोगों ने करवा दिया हो लेकिन हमें खतरा है, ये बात उन्होंने कही थी और एक एप्लीकेशन भी उनके द्वारा थाने पर दी गई थी जिसको मार करके उन्होंने चौकी प्रभारी को किया था।